तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चलिए आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और कल वाले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं ये रैंक पुश के रिलेटेड कि जो भी मतलब जब भी बंदा कि गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं ना, मतलब प्लेन से उतरने के बाद तभी गाड़ी से कुचल जाता है और बहुत अच्छा खासा माइनस लगता है, क्योंकि पहले मर जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा तगड़ा माइनस लगता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना आपके टॉपिक पे आएगा और मैं पूरा स्ट्रेटजी समझा दूंगा। पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, फिर बहुत बंदे नया जुड़े हैं ना तो उन लोगों को शायद नहीं पता, और मैं इस पे पूरा इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बन सकता है, पर इस वीडियो को ना एक बार पूरा देख लो। जो भी बंदा इस वीडियो को ना पूरा देखेगा ना मैं मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मतलब कोई भी रैंक पुश रिलेटेड ना दिक्कत नहीं आएगा। और भाई आप 10 मैच खेलोगे ना 10 मैच में ही प्लस लेके जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते मैं कैसे यहाँ पे उड़ के जा रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी बताया था कि देखो जो प्लेन पर आता है ना उधर से आप 3000 मीटर कम से कम दूर जो है ना उड़ के जा सकते हो। तो मैं प्लेन से उतरते ही ना जंप कर लेता हूँ, और जंप करने के बाद जब भी पैराशूट का जो निशान आता है ना तो वो पैराशूट मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ही आप सर्वाइव करोगे ना तो देखो गाड़ी का दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे ऊपर जो बंदा देख रहे हो तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये बंदा हमारे चैनल का ही कोई मेंबर होगा या सब्सक्राइबर होगा, क्योंकि YouTube पे शायद ऐसा कोई बंदा इस टाइप से सर्वाइव करना नहीं सिखाया होगा। जो भी सीन था आप लोग कमेंट करके बताना कि बंदा मतलब इस चैनल का ही सब्सक्राइबर है कि नहीं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं बस जस्ट ऐसे ही सर्वाइव करता हूँ, और गाड़ी लेकिन मतलब जो गाड़ी वगैरह लेने में ना दिक्कत नहीं होता। जिस भी भाई का मतलब रैंक पुश से रिलेटेड दिक्कत आ रहा है ना तो कमेंट करो, जो भी बंदा कमेंट किया था मैं उसका रिप्लाई लेके ये वीडियो लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही सर्वाइव करता हूँ। भले ही मैं पूरा गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं बना दिया, पहले भी बनाया हूँ, आगे चल के कोई भी दिक्कत आता है ना तो कमेंट कर सकते हो। देखो सबसे पहले गेम प्ले थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर जब भी प्लेन से पहले बताइए कि प्लेन से जब भी जंप किया था ना, जब भी पैराशूट का पहला निशान आया उधर से मैं पैराशूट ओपन कर दिया था, और मैं रोड के ऊपर से जा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैप वगैरह में पूरा रोड के ऊपर से जा रहा हूँ, और मैं जब भी पैराशूट थोड़ा सा नीचे आता है ना तो मैं देखता हूँ कि आसपास कोई गाड़ी है कि नहीं, तभी मेरे को एक गाड़ी नोटिस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जब स्ट्रैटेजी यही रहता है कि मैं पूरा उड़ के जाता हूँ, मतलब 3000 मीटर आराम से दूर जा सकते हो, और 3000 मीटर के जाने से ना रोड से जाओगे तो रोड के आसपास आपको गाड़ी मिल ही जाता है। मैं भाई 10 मैच खेलता हूँ ना तो 10 मैच में इस टाइप से सर्वाइव करता हूँ, 10 मैच में प्लस निकालता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है सोलो में गाड़ी ढूंढना। गाड़ी आपको एक बार मिल जाए ना तो आराम से आप मतलब सर्वाइव कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे को बग्गी स्पॉट हो गया था, अब मेरे को अब कोई टेंशन नहीं था, तो मेरे को बग्गी स्पॉट हो गया था तो बग्गी लेके मैं बिल्कुल सर्वाइव करूँगा। और सर्वाइव करने में भी करने के टाइम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि कहीं भी कंपाउंड में जा रहे हो ना सीधा अंधाधुंध घुस मत जाना, समझ रहे हो ना। अंधाधुंध घुसोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि अंधाधुंध घुसोगे तो बंदा होगा आसपास तो आपको इजी किल कर देगा। हमेशा क्या करना है कि उस जो बिल्डिंग वगैरह है ना, जो भी कंपाउंड है ना, उसको एक चक्कर लगा लो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं आ रहा था, और यहाँ पे शायद मेरे को लगा कि गाड़ी है, तो मैं इधर रुका ही नहीं, क्योंकि आसपास बंदा था और मेरे पर फायर वगैरह भी ले रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि उधर रुकते नहीं। देखो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा आप एक बार घूम लोगे ना तो आपको पता चल जाता है कि बंदा है कि नहीं है। फिर मैं उधर से निकल के ना यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता तो आराम से यहाँ पे लूट वगैरह मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और लूट कंप्लीट करने के टाइम ना एक बॉट भी यहाँ पे मिल जाता है तो उसको भी किल कर देते हैं। और इधर से मेरा जो जितना भी लूट वगैरह है ना कंप्लीट हो गया था, पर मेरा जो पोपा लूट है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लूट ज़्यादा चाहिए रहता है। गोली वगैरह M4 वगैरह एक तो चाहिए, 5 का गन, और अभी मैं शॉटगन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं और भी छोटा छोटा कंपाउंड लूटने जाता हूँ। पर कंपाउंड लूटने के टाइम ना मैं देखो हमेशा मैं एक दो बार चक्कर लगा लेता हूँ कि बंदा है कि नहीं, मेरे को पता चलना चाहिए, तभी मेरे पे लाइव एक मतलब हैकर जो है ना वो बैन हो जाता है। तो जो भी सीन था मतलब मैं जोन के अंदर छोटा जोन होता ना तो शायद हैकर वगैरह मिल सकता था मेरे को बैन वाला बंदा, पर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी लूटूंगा एकदम जो फोर्थ जोन है ना उसके अंदर ही मैं जोन के अंदर जाऊंगा, और अभी ऐसे स्ट्रेटजी जो है ना अप्लाई करो तो आपका मतलब मैं बोल सकता हूँ भाई 10 मैच खेलोगे ना तो 8 से 9 मैच में प्लस निकाल के जाओगे। और जो 2-3 मैच मतलब दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे मेरा स्ट्रेटजी पूरा अप्लाई करोगे ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 10 मैच से मतलब दिन का 10 मैच खेलोगे ना तो 10 मैच में ही प्लस निकाल के जाओगे। और एक भाई ये भी कमेंट किया था कि भाई प्लस कैसे निकालते हो इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि कोई बात नहीं, अभी प्लस बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, सीधी सी बात है। और जो भी बंदा का मतलब बोल रहा है कि कम मतलब प्लस कम मिल रहा है, तो देखो अभी के टाइम पे ना इतना ही प्लस मिलेगा, जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बंदे का मतलब एक बंदे को तो भाई कमेंट वगैरह देख के मैं मतलब खुद सोच में पड़ गया, बोला कि आईडी में कुछ दिक्कत तो नहीं है। देखो आईडी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्लस कम मिल रहा है, आप कोशिश करो, देखो टॉप 5 निकालो, हो सके तो 3-4 किल निकालो तो ही आपको प्लस मिलेगा। और इस गेम प्ले पे पूरा देख लो तो इसमें मैं देखना 4 से 5 किल के साथ ना चिकन निकाला था, और कितना प्लस मिला है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा।
और आप लोग जो भी अभी भी रैंक पुश कर रहे हो ना भाई, जोन के अंदर ही सर्वाइव करो। मैं देख सकती हूँ पूरा जोन सर्वाइव किया और जोन कितना छोटा बना, तब मैं जोन के अंदर एंट्री ले रहा था। और जोन में जब एंट्री ले तो आपका हीलिंग वगैरह ना थोड़ा सा फुल करके रखना, बूस्टअप कर लेना, नहीं तो देखो जब भी जोन के अंदर मतलब एंट्री लोगे तो स्प्रे वगैरह आ सकता है, तो उससे भी बच जाओगे। मतलब आपका हीलिंग वगैरह रहेगा ना तो थोड़ा सा एक दो गोली भी कनेक्ट हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हीलिंग नहीं रहेगा ना तो एक दो गोली कनेक्ट हो जाए ना तो आप इजी गाड़ी से उतर जाओगे, समझ रहे हो ना। ये दिमाग में हमेशा डाल लेना। मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है ना मैं पूरा रिवील करता हूँ, और अब इसी टाइप से ना खेल के ना इजी कॉन्करर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा हीलिंग वगैरह कर लेता और फिर चलता हूँ जोन के अंदर। और जोन के अंदर जाने के बाद ना भाई पोजीशन निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पोजीशन निकालने के टाइम ना कोशिश करना कोई छोटा शैक वगैरह पकड़ो, या कोई भी डिप्थ वगैरह या पत्थर का कवर वगैरह मिल जाए ना तो उस टाइप से जाओ, मतलब कवर पकड़ लो, वही अच्छा रहता है। क्योंकि बड़े कंपाउंड में जाओगे ना तो वहाँ पे एक से दो तीन बंदे भी रह सकते हैं, तो उसके साथ फाइट लेना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मैं तो नहीं ले पाता हूँ, मेरे पास भाई इतना लो एंड डिवाइस है ना भाई, कितना खतरनाक लैग होता है, ऊपर से रिकॉर्डिंग वगैरह करना पड़ता है तो समझ सकते हो भाई। इसलिए मैं फाइट हमेशा इग्नोर करता हूँ, और भाई फाइट इग्नोर करके खेलोगे ना तो आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा। आप फाइट करके खेल सकते हो, चिकन वगैरह निकाल सकते हो, तो आपके लिए भाई तो मतलब सुनहरा मौका है, क्या ही बोलूँ मैं। तो अब मैं तो किल नहीं निकाल पाता, और हर एक मैच भाई सच बोलूँ कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं जाता, पर ऐसा भी नहीं जाता मेरा कि हर एक मैच में माइनस लग रहा है, समझ रहे हो ना। मैं इतना ध्यान से खेलता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि टॉप 10 सर्वाइव करूँ और उसके बाद ना फाइट वगैरह लूँ। तो यहाँ पे मैं जोन के अंदर भी एंट्री ले चुका था और मेरे को एक पोजीशन निकालना था, और मैं यहाँ पे पोजीशन निकालने जाता हूँ और क्या सीन होता है यहाँ पे देखो। मैं यहाँ पे बग्गी लेके जा रहा था, सामने वाला जो मतलब शैक है ना उधर जाने की कोशिश कर रहा था, कि वहाँ पे बंदा भी नहीं था, पर बंदा मेरा जो पीछे के साइड ना एक गुरुजा वाला बंदा था जिसने मेरा जो बग्गी का टायर है ना वो फोड़ दिया था और बग्गी पूरा घूम गया था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ भाई इधर अभी रुकते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा, उतना दूर जाऊँगा। और यहाँ पे रुकना ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे का मतलब बात हो जाता था मेरे, मतलब हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जोन है ना वो भी यहाँ पे बन जाता है, दो तीन जोन, और फिर मेरे को उसके बाद वाला जो जोन रहता है ना तो जोन भी मेरे से हट गया था और मेरे को जाना था जोन के अंदर। मैं पूरा होल्ड करके खेला, कोई दिक्कत नहीं लगा क्योंकि मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं था। आप देख सकते हो इजी मैंने टॉप 8 निकाल लिया था। अब मेरे को किल वाला मतलब किल वगैरह ना निकालना था, और मैं जब देख सकते हो अभी 30 सेकंड के आसपास टाइम है, तो मैं तभी जोन के अंदर निकलता हूँ, नहीं तो जोन भाई खतरनाक डैमेज देगा। और मैं जोन के साथ साथ ही जाऊँगा, देख सकते हो यहाँ पे भाई सर्वाइव। अब देख लो इससे मतलब इस टाइप से ना थोड़ा सा सेफली और अच्छी तरह से खेलोगे ना तो अच्छा खासा प्लस मिलेगा। और सामने से मेरे को फायर का साउंड आता है तो मैं इधर देखने जाता हूँ, और देखो फिर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, वही वाला बंदा जो पहले घर में आया था, तो उसको इजी किल कर देते। और मैं यहाँ पे सीधा जो है ना मैं अपना पोजीशन बदलता हूँ, कि मैं इस साइड से फायर किया था राइट मतलब लेफ्ट साइड से, और मैं सीधा घूम के राइट साइड में आ जाता हूँ। क्योंकि देखो सोलो में ना भाई आपको पोजीशन रिवील नहीं करना चाहिए, और रिवील हो जाए ना नेक्स्ट जोन में तो भाई नेक्स्ट जोन बोला सॉरी जो छोटा जोन रहता है ना उधर जो आपका पोजीशन रिवील हो जाए, तो कोशिश करो भाई उधर से थोड़ा सा हट जाओ, नहीं तो उधर नेट वगैरह आ सकता है और बंदा आपको स्पॉट भी कर सकता है। मतलब जहाँ पे फाइट होगा ना मतलब फायर वगैरह होगा उधर ही तो मतलब बंदे देखेंगे और को स्पॉट कर लेंगे, इजी किल कर देगा। और मैं यहाँ पे जोन के साथ साथ आके जोन के अंदर मतलब एंट्री ले लेता हूँ, और यहाँ पे आके थोड़ा सा होल्ड करेंगे जब तक नेक्स्ट जोन ना बने। और सामने से मतलब एक बंदा का मतलब जो फुटप्रिंट वगैरह आ रहा था मतलब फायर वगैरह ले रहा था, तो उस बंदे के साथ थोड़ा सा फाइट करेंगे। और यहाँ पे कैसे मैं जोन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ देख रहे हो भाई, एकदम पूरा साफ बन के लेटे लेटे, क्योंकि थोड़ा सा बंदा एक स्पॉट कर लेगा ना भाई इजी किल कर देगा। और हमेशा भाई बहुत ज़्यादा सेफली खेलो सोलो में, क्योंकि एक बंदा हो आप ही और भाई कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाए ना पूरा गेम प्ले ख़राब हो जाता है। और हमेशा कोशिश करो चिकन निकालने के लिए, एक दो किल भी रहे ना कोई दिक्कत नहीं है, बस चिकन निकालने के लिए फोकस करो। और सामने वाले बंदे के साथ कैसे फाइट होता है बस देखो। वो बंदा मेरे पे एक नेड ट्राई करता है और मैं अच्छा खासा डैमेज भी हो जाता हूँ, तो मैं सीधा फॉल बैक करता हूँ, तभी किसी से और एक बंदा उसको नेट से किल कर देता है। तो मेरे लिए एक आसान मौका था भाई, अब मेरे को फाइट लेना था दो बंदे के साथ जिसका लोकेशन तो मेरे को नहीं पता था, पर तभी मेरे को पीछे की साइड से ना एक बंदा स्पॉट होगा और उसके साथ फाइट होगा। सबसे पहले मैं सामने एक स्मोक कर देता हूँ, और ये स्मोक ना आगे चल के मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो देखो क्या सीन होता है अभी।
यहाँ पे पीछे जो बंदा था ना उसको मैं तो नेट से ही किल कर देता हूँ। अब बारी था देखो जोन के अंदर जाने का, मैं जोन के बाहर भी था और सामने एक बंदा था जिसका लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर मैं यहाँ पे सामने स्मोक कर देता हूँ ना तो जो बंदा था ना सामने वाला बंदा वो सोचता कि मैं स्मोक में ही हूँ और मैं उसका फ़ायदा उठा के कैसे किल करता हूँ। देखो सामने वाला बंदा तो भाई स्मोक में देखता रह जाता है, मतलब उसको भी लग रहा था कि भाई सामने वाला जो स्मोक है ना उसके अंदर भी मतलब मैं हूँ और उधर ही वो लोग मतलब वो नोटिस कर रहा था और मैं साइड से इजी किल कर देता हूँ। ऐसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगा के खेल सकते हो और इजी चिकन मतलब चिकन वगैरह है ना वो निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को कितना प्लस मिला भाई, 17 का प्लस मिला है और अभी के टाइम पे ना इतना ही प्लस मिलेगा, जितना दिन जाएगा ना उतना कम प्लस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए जल्दी जल्दी पुश करो जो भी बंदा अभी भी रैंक पुश कर रहे हो। और भाई इस वीडियो को मैं जितना हो सके ना उतना ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश किया है और उम्मीद है भाई इस टाइप से ना कोई बंदा आपको नहीं समझाएगा। और इस गेम के बाद ना मेरा को जो रैंक है ना 119 के आसपास हो गया था, मतलब 111 के आसपास। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और भाई इतना अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा भी डाउट वगैरह है ना तो कमेंट कर सकते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बार बार बोलो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।